आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 रुपीज से आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, 50 रुपीज आपको कैसे करोड़पति बना सकता है, वो भी 2023 के अंदर या 2024 के अंदर, मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर आपको 50 रुपीज कैसे जो है आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और इतना बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमको बना के चलनी चाहिए और क्या क्या स्ट्रेटजीज रहनी चाहिए, आज इसी पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज SIP के बारे में। SIP क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। SIP मीन्स पर मंथ, पर वीक या हर रोज आपको थोड़ा सा अमाउंट जो है क्रिप्टो कॉइन के अंदर लगा सकते हो। और ये SIP करना ही एक बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बेस्ट वे कहूँगा मैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और आप SIP करके, सिर्फ SIP करके भी बहुत अच्छा अमाउंट क्रिप्टो करेंसी से जनरेट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर आपको एक तो बोझ नहीं पड़ेगा, है ना, कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा मुझे ये क्रिप्टो लेना है, आपको एक साथ लेना है, ये भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा। और आप SIP करके पर मंथ पर वीक कितनी SIP करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, यही डिस्कस करेंगे। अब ये स्ट्रेटजी आपको कैसे फॉलो करनी चाहिए, कैसे इस टेक्निक को आपको अपनाना चाहिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू 1 रुपये से कम है, कुछ तो ऐसे कॉइन्स हैं जिनके प्राइस के अंदर 8 जीरो आ रही हैं, कुछ ऐसे हैं 7 हैं, किन्हीं कॉइन्स के अंदर 3 है, किसी के 2 है, किसी के 4 है, तो मतलब वैल्यू 1 रुपये से कम है। और यहाँ पे अगर आप 100 रुपीज भी इनमें से किसी एक कॉइन के अंदर लगाते हो तो आपको बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं, ये चीज़ हमको पता है। लेकिन ये 100 रुपीज की SIP आप पर वीक कर सकते हो, मतलब मान लो आप 500 रुपीज की SIP कर रहे हो पर वीक, उस 500 को आप 5 मतलब हिस्से में जो है बांट सकते हो, 5 उसके जो है मीन्स उन 500 रुपीज में से आप 100 रुपीज 5 कॉइन्स के अंदर लगा सकते हो। 5 कॉइन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिनकी वैल्यू 1 रुपये से कम है। यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स है जिनके अंदर आपको SIP करनी चाहिए, जैसे कुछ तो मीम कॉइन्स है, कुछ मीम कॉइन्स नहीं है, कुछ मेटावर्स के कॉइन्स भी है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे किशू इनू कॉइन, बेबी डोज कॉइन, साइतामा कॉइन, इनके अंदर आप पर वीक 100 रुपीज की भी SIP करते हो तो इससे क्या होगा, एक तो आपका जो कॉन्स्टेंटली है आपके टोकन्स ग्रो होते रहेंगे। आप 100-100 रुपए डालेंगे, आपके कॉइन्स बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इनकी जीरो भी कम होती रहेंगी, प्राइस भी इंक्रीज होते रहेंगे। और एक सबसे बड़ा रीजन है, आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं आएगा, है ना, कि आपको साइतामा कॉइन लेना है, किशू इनू लेना है, आपको इकट्ठा खरीदना है एक साथ ही, वो भी आपके ऊपर लोड नहीं रहेगा। आप पर वीक कर सकते हो, हर रोज कर सकते हो अगर हर रोज भी करना चाहते हो, लेकिन पर वीक अगर आप करोगे वो भी बहुत है। हर वीक आप 500 या 1000 रुपए की भी SIP कर सकते हो, 10 कॉइन्स आप, या आप 10 कॉइन्स की SIP कर सकते हो पर वीक, आप 100 रुपीज जो है हर कॉइन के अंदर डाल सकते हो हर वीक, है ना। तो इससे आपको क्या होगा, आपके 10 कॉइन्स भी बढ़ते रहेंगे पर वीक, आपके ऊपर ज्यादा लोड भी नहीं आएगा। और अगर आप और ज्यादा करना चाहते हो पर मंथ कर, अगर आप करना चाहते हो, अगर आप एक महीने की SIP करना चाहते हो तो 1-1000 मतलब 10,000 रुपए की SIP करना चाहते हो तो 1-1000 आप 10 कॉइन्स के अंदर डाल सकते हो, नहीं तो उनको भी डिवाइड कर सकते हो, आप 500 रुपीज भी मतलब डाल सकते हो। वो डिपेंड करता है आप पे, आप कितने की SIP बनाना चाहते हो, कितने टाइम के बाद करना चाहते हो और कितनी करना चाहते हो, वो डिसीजन आपका है। लेकिन ये जो SIP वाली स्ट्रेटजी है कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकती है। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको SIP ही करनी चाहिए, SIP के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट SIP के ही हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे आपके जो है हर वीक, अगर आप पर वीक SIP कर रहे हो तो आपके कॉइन्स बढ़ते रहते हैं, तो एक सबसे बड़ा रीज़न कॉइन्स आपके ग्रो होते रहते हैं। और मल्टीपल कॉइन्स के अंदर आप SIP कर सकते हो, आप 10 कॉइन्स को चूज़ कर सकते हो, 20 को कर सकते हो, 50 रुपीज़ की भी SIP कर सकते हो। आप डिपेंड करता है कौन से कॉइन्स चूज़ कर रहे हो, जिनकी वैल्यू कम है तो उनके लिए 20, 50, 100 रुपीज़ भी बहुत हैं। और आप पर वीक अगर करेंगे तो हर महीने आप 4 हफ्ते SIP करेंगे तो आप खुद सोचिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब हर वीक अगर आप SIP करते हैं या हर मंथ भी करते हैं, आप हर मंथ जो अपनी सैलरी, जो आप जितना भी अमाउंट अगर क्रिप्टो में लगाना चाहते हैं उसको आप डिवाइड कर लीजिए, है ना, और
यहाँ पे रिसर्च कर लीजिए कौन कौन से कॉइन्स मुझे लेने हैं, कितना कितना मैं किस इस कॉइन के अंदर कितना लगाऊंगा, इस कॉइन के अंदर कितना लगाऊंगा। तो आप खुद से रिसर्च करके हर महीने भी एसआईपी कर सकते हो और ये एसआईपी वाली स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा सकती है। और जो हम ये कह रहे हैं ना 50 रुपीज़ में करोड़पति, 10 रुपीज़ में, ये चीज़ें आपको एक दिन होती हुई दिखेंगी अगर आप एसआईपी करते रहेंगे। इससे आपके ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा और ज़्यादा प्रेशर में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप पर मंथ पर वीक अगर आप 500 रुपीज़ भी सेव कर रहे हैं और वो क्रिप्टो में लगा रहे हैं, 5 कॉइन्स आप खरीद रहे हैं पर वीक 100 रुपीज़ के, तो आप पे ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा, आप ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेंगे, है ना। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे कि एसआईपी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और आप भी एसआईपी कीजिए अगर आप किसी भी क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं, एसआईपी कीजिए। आप क्रिप्टो चूज़ कर लीजिए, जितने भी कॉइन्स आपको लेने हैं आप पर वीक बना लीजिए या पर मंथ का बना लीजिए, कितना आपको एसआईपी करना है, वो बस यही चीज़ें हैं। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कर देना। किसी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से अपनी रिसर्च जरूर कर लेना, वो बेहद ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती है।